नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स। कहते हैं ताश के पत्तों में इक्का और जिंदगी में सिक्का जब चलता है तो दुनिया सलाम ठोकती है। कुछ ऐसी ही कहानी आजकल चल रही है हार्दिक पांड्या की। 3 महीने पहले जिस हार्दिक को भारतीय टीम में कोई देखना भी नहीं चाहता था, आज वही हार्दिक भारतीय टीम के कप्तान है। लेकिन किसकी किस्मत कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 28 साल के हार्दिक भी अब इसी बलबूते इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों में हार्दिक पांड्या ने अपने करियर के लिहाज से बहुत ही उतार चढ़ाव भरे दिन देखे हैं। विश्व कप 2021 भारतीय टीम के लिए एक डरावने सपने की तरह गुजरा था। इस टूर्नामेंट में सारी नाकामियों का जिम्मा हार्दिक पांड्या के कंधों पर डाल दिया गया। हार्दिक इस दौरान अपनी खराब फिटनेस से भी जूझ रहे थे, जिसके चलते उनके चयन को लेकर आलोचकों ने बीसीसीआई को भी खूब ट्रोल किया। एक ऑलराउंडर के लिहाज से टीम का हिस्सा बनने वाले हार्दिक इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ आखिरी मैच में गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। खबरें यहां तक आई थी कि इस दौरान वे पीठ में इंजेक्शन और दर्द निवारक गोलियां लेकर मैदान पर उतरते थे। विश्व कप खत्म होने के बाद से हार्दिक पांड्या क्रिकेट से 6 महीनों के लंबे ब्रेक पर चले गए। इस दौरान भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के साथ T20 सीरीज खेली। इन सीरीज में टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या का विकल्प भी तलाश करना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे आगे नाम वेंकटेश अय्यर का रहा। अय्यर ने गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया तो सबको लगा कि अब हार्दिक पांड्या का नेशनल टीम से पत्ता कट चुका है। लेकिन हार्दिक क्रिकेट के मैदान से दूर थे और वापसी करने का जज्बा लिए वे घंटों मैदान और जिम में पसीना बहा रहे थे। आखिरकार आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या को अपनी तैयारी दुनिया के सामने दिखाने का मौका मिल ही गया। एक नई नवेली टीम के साथ पहली बार इतने बड़े मंच पर कप्तानी कर रहे इस खिलाड़ी को शुरुआत में सभी ने नकार दिया था। साथ ही लोगों ने इस टीम को भी खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन इन सब के बावजूद अपने ऊपर पूरा विश्वास जताते हुए हार्दिक ने भारतीय लीग के इतिहास में वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए थे। उन्होंने पहले सीजन में ही गुजरात टाइटंस को आईपीएल की ट्रॉफी जिता के दे दी। सबसे कम मैचों में कप्तानी कर ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे कप्तान बन गए। अब उनकी इसी कुशलता को देखते हुए हार्दिक पांड्या को अब टीम इंडिया की भी कप्तानी सौंप दी गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी कप्तानी की वह छाप छोड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।